इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ज़हनियत समझ में नहीं आती। तो मेजर गौरव भाई, ये बताइए कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, ये कोई नई नहीं है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की और इस्लामिक कार्ड के नाम पर भड़काव की। अब ये सिचुएशन एक बार फिर सामने आई और कोविड का ज़माना है, टफ टाइम है, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब है। भारत में इस प्रोटेस्ट को भारतीय मीडिया या भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पे कवरेज तो हुआ है पाकिस्तानी प्रोटेस्ट का, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल और असम के इलेक्शंस की बात हो रही है, कोविड का मामला है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूज जो है ज्यादातर जो इंडिया में चलती है, लोकल न्यूज ज्यादा चल रही है। तो जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे कि इंडिया वाले बड़े मजे, इंडिया वालों के पास टाइम नहीं है, इंडिया वाले तो अपने इलेक्शन में ही लगे हुए हैं। हमारे तो इलेक्शन ही बहुत बड़ा एक मेला होता है, हर ढाई तीन महीने में किसी ना किसी स्टेट में यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है, ताहिर साहब तो उसी में लगे हुए हैं। मीडिया सिर्फ 2-3% कवर कर रही है, वो हम जैसे एनालिस्ट हैं जो टीवी पे जो पाकिस्तान को बड़ी एक एक पैनी नजर से देखते रहते हैं, 24 घंटे पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी नेशनल चैनल पे देखिए, ज्यादा इसके ऊपर कवरेज नहीं आया। आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 24 घंटे यही खबर चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे अभी अपने इश्यूज हैं, जैसे इलेक्शंस हैं, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि बंगाल में बीजेपी आएगी या तृणमूल कांग्रेस आएगी, असम में क्या रहेगा, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी कि कोई और सरकार आएगी, लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्ट है। कहां कहां पे कोरोना है, वैक्सीन कहां पे फराम हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स क्या है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, ये लोगों के मसाइल हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, बट एक बात है जो मीडिया ने कवर करा और सोशल मीडिया ने कवर करा। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था तो एक एनालिस्ट है, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उन्होंने ट्वीट करा था साहब कि इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट, ये करके उन्होंने बोला था जब वो लाल किले पे ट्रैक्टर लेके कुछ खालिस्तानी चढ़ गए थे, तो बोला इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट। तो वो जो कर्म होते हैं सर अपने अपने, और हिंदुओं का कहना है कि जो भी आपने इस अपने जीवन में आपने करा है, उसका अच्छा बुरा सबका हिसाब आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा, यहीं पे आपका निपटारा हो जाएगा। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म का, एक ही थॉट नहीं है हिंदुइज्म में, अलग अलग मुख्तलिफ थॉट्स हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि भाई सब कुछ कराया कराया तो यहीं पे पाकिस्तान को कुछ महीने हुए थे। 26 जनवरी को पाकिस्तानियों ने हमारी मजाक उड़ाई थी, अब पिछले एक हफ्ते से वहां पर आग लगी हुई है। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब देखो, आप लोग ये कह रहे थे। तीसरी बात एक और चीज है कि यहाँ पे जो हमारा गेस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है और अब इमरान खान को वो ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीके लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा उससे, तो एक के बाद एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। और कहीं ना कहीं लोग फौज को ब्लेम कर रहे हैं। आई हैव, मेरे पास वीडियोज पड़े हैं उन पाकिस्तानी फौजियों के, मैं चाहता हूं कि अगर आप दिखा पाए तो दिखाएं जरूर, उन पाकिस्तानी फौजियों के जो अपने चीफ को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब आप रोकते क्यों नहीं इमरान खान को। ये हमारे जो उलेमा इकराम है, जो बड़े बड़े जो इज्जतदार लोग हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तानी आर्मी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पिलर था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी, उसके अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं, जहां पे लोग, ये भी मुझे नहीं पता ये सच है खबर की र्यूमर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के कई जवान गए हैं ये जमातों को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दे फील दैट आपने हजरत मोहम्मद साहब की जो इंसल्ट हुई है उसके बारे में आपने काफी कुछ नहीं करा जो आपको करना चाहिए था, तो वो भी हुआ है वहां पे पाकिस्तान में, ऐसा सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट वहां पे भी क्रैक्स पड़ रही हैं और लोग अपने वीडियोज, जवान अपने वीडियो जारी कर रहे हैं
सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रेट कंसर्न फॉर एनी कंट्री. देखिए, आपने बहुत सारी बातें की. एक तो कर्मा की बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो हर जगह ये सच है. जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का जो ये कहना है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो वैसे भी नेचर की बात है कि जो करनी वो भरनी वाली बात है. सैडली ये एक अपनी जगह पे एक फैक्ट है. उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में क्रैक्स हैं या जो उनकी अपनी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये भी मेजर गौरव साहब बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब तो बहुत वाजे हो गई है. इमरान खान के साथ भी कहा यह जा रहा है कि कुछ आर्मी के ग्रोह हैं और बहुत सारे ग्रोह उनके ख़िलाफ़ भी हैं. ये तो पाकिस्तान में अरसा दराज से चल रहा, अब बढ़ गया है. लेकिन इस सारे अमल में भारत को क्या ख़तरा होता है कि क्या इस तरह की जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है जब एकदम से फिर भड़कती है, उस भड़काव में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जैसा कि हम देख रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भारत क्या वो कार्ड खेलते हैं भारत दुश्मनी का, तो क्या कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह का काम भारत को भी खतरा महसूस हो सकता है डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में? नहीं ताहिर साहब, हमें कोई खतरा नहीं है. पाकिस्तान अगर कुछ कर सकता तो बहुत पहले कर देता. पाकिस्तान के बस का नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जिसको कहते हैं कि वो सलाहियत नहीं है पाकिस्तान के पास कि कुछ कर दे. देखिए ना आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो कौम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है. एक तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान से फोन करते हैं, मेजर साहब आप ऐसा ना कहें, मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं रह गया पाकिस्तान में. अब उन्होंने खूब बड़ा एक साथ झंडा उठाया, परचम उठाया कि 370-35 से बहाल करना चाहिए, हटा दिया है, गलत हटाया है और उसको बहाल करना चाहिए. 370-35 से है क्या ताहिर साहब? 370-35 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो सबसे पहले यह तस्लीम करता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. आप सबसे पहले यह समझ लीजिए. फिर वो बात करता है स्पेशल स्टेटस की, कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए. तो कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यह 370-35 से मानते हैं. अगर नहीं मानते तो भारत के संविधान का पार्ट, भारत के आईन या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कैसे होते? वो मानते हैं, इन लोगों ने पढ़ा नहीं, पाकिस्तानियों ने. अब ये कह रहे हैं कि 370 बहाल करो. क्या इमरान खान ये कहना चाह रहा है कि 370 बहाल करो, यानी कि इमरान खान ये तस्लीम करता है कि कश्मीर और पूरा कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, वो भारत का हिस्सा है? क्या इमरान खान ये कहना चाहता है? मैं इसके कैसे जो एडवाइजर हैं वो कैसे एडवाइजर हैं इमरान खान के जो ऐसी गलत सलाह देते? भाई आप पाकिस्तान का एक मौजू है, पाकिस्तान का मौजू ये है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीर का डिस्प्यूट यूएन रेजोल्यूशन 1948 के तहत सॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तान कहता आ रहा है. अब मैं ये चाहूंगा कि भाई अगर जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है इमरान खान, कम से कम ये तो जाने कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस चीज पे, पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया क्या है. उसको यही नहीं पता ऑफिशियल बयानिया क्या है. वो कह रहा है 370 वापस भी ले लेंगे, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? 370 तो कहता है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. क्या इमरान खान ये कहने को तैयार है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलता है. तो ये बड़ा इनमें कंफ्यूजन है. कोई इनको, देखिए साहब ऐसा है कि जज्बाती लोग हैं, इनको कोई भी भड़का देता है भड़क जाते हैं. अब एक बात मैं ताहिर साहब आपसे पूछता हूं, छोटी सी बात, एंड आई विल एंड माय आंसर विद दिस, है ना. फ्रांस में किसी ने एक गलत हरकत करी, हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने गलत कार्टून बनाया जिसको हम भी कंडेम करते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी, वाय इस्लाम इवन हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. ये मैं एज अ हिंदू कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नहीं बनना चाहिए था. जो खा कहते हैं ठीक है, आपका जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ना कि तुम मतलब किसी को कुछ वो ही कर दोगे. फ्रांस में किसी ने खाके बनाए, इन लोगों ने साहब पूरा का पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी. मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया. गलती करी फ्रांस वाले ने, आपने अपना सर मुंडा दिया और आप सड़क पे नाच रहे हैं और आप अपने मुल्क को पूरा का पूरा जला के आपने खाक कर दिया अपने मुल्क को क्योंकि फ्रांस में किसी ने खाके बनाया. मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया सर. देखिए आपने मुझसे ये बात पूछी तो ये लॉजिक तो दुनिया के किसी भी सोचने वाले आदमी को समझ नहीं आ सकता. हत्ता कि इमरान खान को भी आज अपनी तकरीर में कहना पड़ा कि भाई ये
तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात बने हैं उसको लेकर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब हुई थी बेसिकली ये तहरीक लब्बैक पार्टी थी। तहरीक लब्बैक पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था इमरान खान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि आप फ्रांस के सफ़ीर को जितनी जल्दी हो सके फ्रांस से बाहर निकाल दें। पर इमरान खान ने मतलब उनको बना दिया बेवकूफ़। उनको लिखित में दे दिया कि हम बहुत जल्द ऐसा करने वाले हैं, उसके बाद कुछ किया नहीं। जिसके बाद हुआ क्या, तहरीक लब्बैक ने किया बहुत हंगामा, सारे पाकिस्तान में तोड़फोड़ कर दी, उनके वर्कर सारे शहरों में तोड़फोड़ की, एम्बुलेंस में की, अस्पतालों में की, ट्रैफिक जाम, इस तरीके की हरकतें करी। 3-4 दिन तक पूरा पाकिस्तान बंद, लाहौर बना रहा इसका केंद्र और लाहौर अभी भी बना हुआ है। जिसके बाद तहरीक जो लब्बैक है उसके जो चीफ हैं साद रिज़वी, उसको कर लिया गया है गिरफ़्तार। साद रिज़वी खादिम रिज़वी के बेटे हैं। खादिम रिज़वी को आपने शायद देखा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें की उन्होंने हिंदुओं काफिरों, अजीब अजीब सी बातें की कि हिंदू मुसलमानों का काफिरों के साथ रिश्ता कैसा, जैसे मुसलमानों का, मतलब अजीब सी बातें की, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाह रहा। हालांकि वो पाकिस्तान में बहुत फेमस थे, उनकी जब डेथ हुई थी तो शायद मोहम्मद अली जिन्ना के बाद उनके मतलब जो अंतिम रीति रिवाज होते हैं उसमें इतने लोग शामिल हुए थे जितने मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ में शामिल हुए थे। यानी समझ जाओ उनकी कितनी ज़्यादा पावर थी। तो अब वो जो लीडरशिप ट्रांसफ़र हुई साद रिज़वी के पास हो गई, साद रिज़वी ने ये प्रोटेस्ट किए और ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं इसमें बेसिकली पाकिस्तान सरकार हिल गई। दोस्तों साद रिज़वी को तो अभी तक गिरफ़्तार किया हुआ है और साद रिज़वी जो है वो मतलब उनकी एक ही डिमांड है कि फ़्रांस के सफ़ीर को आप जब तक बाहर नहीं भेजेंगे, फ़्रांस के साथ सारे रिश्ते ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरीके से वहाँ से लाहौर से नहीं हटेंगे। तो गाइज ये सिचुएशन है करंट पाकिस्तान की। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इमरान खान टीवी पर आया। टीवी पर आने के बाद इमरान खान ने लिया डिसीजन, लोगों से कह दिया कि हम फ्रांस के सफ़ीर को किसी भी हालत में नहीं भेज सकते, पाकिस्तान की इकनॉमी इससे हो जाएगी तबाह, इस तरीके की बातें की उसने। और फिर हुआ क्या, इसके बाद हुआ ये कि दूसरे दिन फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हुई और मतलब इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, इमरान खान की पार्टी ने यू टर्न लिया और बोला कि हम फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे, ये यू टर्न ले लिया। तो गाइज अब सिचुएशन पाकिस्तान में आप समझ सकते हो बड़ी ख़राब है और इस ख़राब सिचुएशन का ब्लेम पाकिस्तान के मीडिया के कुछ पत्रकारों ने मेजर गौरव आर्य को डाला था। मेजर गौरव आर्य की पुरानी वीडियोस डिफेंसिव ऑफेंस में जो डली हैं और बहुत सारी जगह से उठा कर चिपकाई और बोली मेजर गौरव आर्य की वजह से पाकिस्तान में हंगामा हुआ। इन बेवकूफ़ पत्रकारों से मैं बोलना चाहूँगा, जब भारत में किसान प्रोटेस्ट हुए, जब भारत में कुछ हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी एंजॉय कर रहे थे, अब बारी थी पाकिस्तानियों के प्रोटेस्ट में भारत की एंजॉय करने की। तो भैया जैसे को तैसा टेट फॉर टैट हुआ। इसमें आप ये मेजर गौरव आर्य का अगर वीडियो निकाल के पूरा देखें तो वो डेफिनेटली एक टीवी पर्सनालिटी है राइट नाउ। वो रिटायर्ड जनरल हैं, रिटायर मेजर हैं, अभी तो टीवी पर्सनालिटी हैं, जनरल मैं गलत बोल गया। तो उनका तो काम है टीआरपी किसी ना किसी तरीके से लाना, तो वो ऐसी बात करेंगे, आप उस बात को सच मान लो तो आप कि मतलब उस दिमाग की जो दूरदृष्टि है उससे आपकी दिमाग की दूरदृष्टि का पता चल जाता है। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।